पेप्पा अंतरिक्ष में। Make sure you subscribe the channel. It's free for you, but a motivation for us. यह एक धूप वाला दिन है। पेप्पा बाहर अपनी उछाल भरी गेंद से खेल रही है। जॉर्ज और उसका दोस्त एडमंड हाथी अपने अंतरिक्ष खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। वे नाटक कर रहे हैं कि वे चांद पर हैं। मम्मी और डैडी पिक के पास एक आइडिया है। संग्रहालय में चंद्रमा और अंतरिक्ष के बारे में एक शो है। वे सब इसे देखने जाते हैं। लेकिन पेप्पा घबराई हुई है। वह चांद पर नहीं जाना चाहती। क्या हमें वास्तव में चांद पर जाना होगा? पेप्पा पूछती है। नहीं, पेप्पा, डैडी पिक कहते हैं। हम चांद पर नहीं जा रहे हैं। हम संग्रहालय जा रहे हैं। मिसेज रैबिट पेप्पा की माँ को 5 टिकट देती हैं। चांद की अपनी यात्रा का आनंद ले, मिसेज खरगोश कहती हैं। पेप्पा भ्रमित है। उसने सोचा कि वे संग्रहालय जा रहे थे, चांद नहीं। फिर श्रीमान खरगोश पेप्पा और उसके परिवार को एक रॉकेट शिप में ले जाते हैं। पेप्पा को लगता है कि यह सब असल में हो रहा है। श्री खरगोश भी असली अंतरिक्ष यात्री की तरह हेलमेट पहनते हैं। लेकिन श्रीमान खरगोश यहाँ याद दिलाते हैं कि यह केवल दिखावा है। 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट ऑफ। दौरे के पहले पड़ाव पर श्री खरगोश बताते हैं कि 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पेप्पा और उसके जानने वाले सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। कुछ ग्रह चट्टान से बने हैं, कुछ ग्रह बर्फ से बने हैं और कुछ ग्रह गैस से बने हैं। दौरे का अगला पड़ाव चांद के साथ एक बड़ा कमरा है। अगर यह असली चांद होता तो तुम मेरी आवाज पर कूद सकते थे, मिस्टर खरगोश कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह है जो हमें जमीन पर रखता है, मिस्टर खरगोश बताते हैं। यह चंद्रमा पर कमजोर है, इसलिए आप ऊंची छलांग लगा सकते हैं। पेप्पा प्रभावित है। श्री खरगोश ने सभी को एंटी ग्रेविटी रबर बैंड से बांध दिया। फिर वे हवा में ऊंची उछलते हैं, जैसे कि वे चंद्रमा पर हों। यह बहुत मस्त है, से मून चीज, श्रीमती खरगोश ने फोटो खींचते हुए कहे। मून चीज, हर कोई खुश हो जाता है। दौरा खत्म हो गया है, लेकिन पेप्पा के पास अब भी कई सवाल हैं। क्या चांद पर पेड़ हैं? वह पूछती है। नहीं, मिस्टर खरगोश ने जवाब दिए। क्या चांद पर कोई कार है? पेप्पा पूछती है। नहीं, मी, खरगोश ने जवाब दिए। क्या कोई चांद की दुकानें हैं? पेप्पा पूछती है। नहीं, मिस्टर खरगोश जवाब देते हैं। यह मूर्खतापूर्ण होगा। पेप्पा, उसका परिवार और एडमंड संग्रहालय की दुकान में प्रवेश करते हैं। चांद की दुकान में आपका स्वागत है, श्रीमती खरगोश कहती है। चांद की दुकान बहुत सी चीजें बेचती है। डैडी पिग मून चीज का एक टुकड़ा खरीदते हैं। वाह, चांद बहुत स्वादिष्ट है, वह कहते हैं। लेकिन चांद वास्तव में पनीर से नहीं बना है, यह चट्टान से बना है, श्रीमती खरगोश एक तस्वीर देती है। यहाँ एक हाथी के साथ चांद पर पिग्गीस की एक तस्वीर है, वह कहती है। हर कोई हंसता है, उन्हें तस्वीर पसंद आती है। पेप्पा, जॉर्ज, एडमंड, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ने संग्रहालय और अंतरिक्ष में एक मजेदार दिन बिताया है।